नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके एकमात्र भरोसेमंद सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज घटाई। जी हां दोस्तों, लाखों कर्मचारियों पर इसका असर पड़ेगा। तो आइए दोस्तों, विस्तार से देखते हैं पूरी खबर को कि आखिर मामला है क्या। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वेल आइकन को दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं, ये जो समाचार है ये जी बिजनेस की तरफ से प्रकाशित किया गया है, जिसका शीर्षक है सातवां वेतन आयोग, लाखों कर्मचारियों के लिए बड़ा झटका, रिटायरमेंट की उम्र 60 साल से घटाकर 58 साल की गई। दोस्तों, जब किसी उच्च या सर्वोच्च न्यायालय का कोई फैसला आता है, चाहे वो केंद्रीय कर्मचारियों के संदर्भ में हो या फिर राज्य कर्मचारियों के संदर्भ में, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उसका असर सभी पर पड़ता है। जैसे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जो वेतन आयोग लागू होता है, धीरे धीरे वही सब राज्यों में भी लागू हो जाता है। दूसरा, जब महंगाई भत्ता केंद्रीय कर्मचारियों को दिया जाता है, वही धीरे धीरे राज्यों के कर्मचारियों को भी लागू किया जाता है। दोस्तों, फैसला चाहे उच्च न्यायालय का हो या सर्वोच्च न्यायालय का, वो एक दूसरे केस के लिए एग्जाम्पल सेट हो जाता है। दोस्तों, अब मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर आता हूँ, जिसमें कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र को 60 साल से घटाकर 58 साल कर दिया गया है। इसका भी असर अन्य कर्मचारियों पर पड़ेगा। दोस्तों, मामला इस तरह है कि 2001 में यूपी के राज्यपाल ने अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन जारी करके कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज को 58 साल से बढ़ाकर 60 साल कर दिया था, जिससे अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 60 साल से घटाकर 58 साल कर दिया है और अपने आदेश में कहा है कि राज्यपाल नहीं बदल सकते हैं रिटायरमेंट उम्र। कर्मचारियों की उम्र बढ़ाने के संबंध में राज्यपाल ने 28 नवंबर 2001 को जो अधिसूचना के तहत कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाई थी, अब उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। तो दोस्तों, अब सरकारी कर्मचारियों की जो रिटायरमेंट उम्र है वो 58 साल है। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले के आने के बाद कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी आपके लिए इस वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।